और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जो कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद में जो कि करण फिर से वापसी कर रहा है। जी हाँ, आखिरकार करण कैसे वापसी हो रहा है पूरी जानकारी आज आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है दोस्तों रोहित नागर। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से वो पुराना अतीत एक बार फिर से प्रीता के सामने आने जा रहा है, जिसको प्रीता वाकई में काफी समय पीछे छोड़ आई। जी हाँ, घर का वो शख्स जो कि 5 साल पहले जो कि सभी लोगों ने मरा हुआ सोच लिया था, लेकिन दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता के सामने एक बार फिर से करण की वापसी होगी, क्योंकि प्रीता जाएगी बाजार और बाजार में जाने के बाद में उसे एक अनजान चेहरा नजर आएगा। जी हाँ, अनजान व्यक्ति देखेगी और अनजान व्यक्ति की शक्ल बिल्कुल करण से मिली हुई है, और करण से मिलने के बाद में जैसे उसे बाजार में दिखेगा वो अपना जो कि आपा खो देगी और वहाँ पे जो कि वो बेसुध होने की हालत में रहेगी। वो घर आने के बाद में जो कि काफ़ी ज़्यादा सोचती है, क्योंकि आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीता की बेटी भी 5 साल की हो चुकी है, और प्रीता की बेटी 5 साल की होने के बाद में लगातार हर किसी का फोकस जो जा रहा है वो प्रीता और ऋषभ पर जा रहा है, क्योंकि ऋषभ ने शादी कर ली थी प्रीता के साथ में। लेकिन अब प्रीता को ये भय लग रहा है कि अगर करण की वापसी होती है तो वाकई में प्रीता का और ऋषभ के रिश्ते को क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि अब इस समय जो कि 5 साल की बेटी भी है ऋषभ और साथ में प्रीता जो पाल रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा पूरा परिवार प्यार देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी में जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता अपना एक नया अंदाज नए मोड में नजर आने वाली है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीता ने हमेशा से ही लूथरा परिवार का काफ़ी भला चाहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए।